धर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे को देना, बोले स्त्रियों को देना, कभी ये प्रेम शूद्रों को भी देना और जितने मूर्ख हैं कहते आप ये सभी को ये प्रेम देना। ये प्रेम देने में कोई आप कोई विचार नहीं करना, सबको ये प्रेम देना। महाप्रभु ने आशीर्वाद दिए कि ठीक है ये प्रेम मैं सबको दूंगा। इसलिए आज जो हम लोग थोड़ी बहुत इसी संप्रदाय में आए हैं, तिलक कंठी माला है लेकर के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो थोड़ी बहुत भजन के लिए चेष्टा कर रहे हैं, ये किसका कृपा है? श्री अद्वैत आचार्य का कृपा है। जब इन्होंने ही भगवान से ये वर मांगे थे हैं, इसलिए हम लोग जैसे कहां से हैं, हम लोग पता नहीं कौन सा नरक में पड़े हुए थे, लेकिन हम लोग जो मंदिर में आए थोड़ी बहुत भक्ति के लिए प्रचेष्टा कर रहे हैं और भक्ति के लिए जो थोड़े सुजोग मिला है, ये अद्वैत आचार्य का कृपा है। इसलिए कहते दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई और तब कृपा बल्ले पाई चैतन्यता। बल आपकी कृपा से ही ये महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आज हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। इसलिए बोले श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की, इसको बाद में सप्तम अध्याय में कहते हैं, बोले नित्यानंद रहिले ने श्रीवास रे घरे, निरंतर बाल्य भाव आनो ना इस पूरे। अभी श्री नित्यानंद प्रभु श्रीवास जी के घर में रहते हैं, रह करके हर समय कौन सा भाव है? हर समय जैसे बाल्य भाव है, एकदम बच्चे जैसे हैं, उसी भाव में हर समय ये डूबे रहते हैं। और श्री श्रीवास पंडित का जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? क्या तो उनका नाम थी मालिन देवी। लेकिन ये मालिन देवी क्या करती हैं? जैसे एक छोटे बच्चे को खाना खिलाते हैं ना, ऐसे ही वो अपना हाथों से कहते उनको खाना खिलाती हैं। शायद आगे हम लोग सुनेंगे, जब श्रीवास का पंडित का पुत्र शरीर छोड़ दिया, तभी श्रीवास पंडित दुखी नहीं हुए हैं। तब दुखी नहीं हुए, महाप्रभु को जब पता चला इनको एक लौता जो संतान शरीर छोड़ दिया, लेकिन महाप्रभु इतने दुखी हुए, बले पुत्र सोग ना जानिल जे महार प्रेमे एमत संग मुई छाड़ी वके बने। मतलब जिसने अपना बेटा का जो सोग है, बेटा का कितना सोग होता है, एक बेटा किसको शरीर छोड़ दिया, पिता माता क्या समझते हैं, हमारा जीवन ही चला गया, हमारी जीवन ही चला गया। इसलिए लेकिन तुमने अपना मेरे सुख के लिए अपना बेटा का जो विरह है मृत्यु है उसको तुमने शोक नहीं माना, इसलिए महाप्रभु कहते हैं ऐसे संग को मैं कैसे त्याग दे सकता हूँ, ऐसे संग को मैं कैसे त्याग दे सकता हूँ। इसलिए भक्त लोगों को पता चला महाप्रभु लगता है जल्दी से जल्दी सन्यासी ग्रहण करने वाले हैं महाप्रभु। इसलिए यहाँ पर उसी दिन महाप्रभु ने कहा, देख श्रीवास तुम्हारी एक बेटा चला गया ना, आज से एक बेटा तक गया, आज से हम तुम्हारे दो बेटे हैं। कौन दो बेटे हैं? एक मैं बेटा हूं और एक श्री
नित्यानंद प्रभु आज से हम तुमने तुम्हारे हम आज से हमने दो बेटे बने, इसलिए इनके घर में नित्यानंद प्रभु एकदम बच्चे जैसे रहते थे, जैसे मैया बच्चे को खिलाती हैं, मालिनी देवी अपना हाथों से खिलाती हैं, और कितना खिलानी चाहिए है कहते कितने खिलानी चाहिए, जैसे माँ को पता चल रहता है ना बच्चे को इतना खिलाने पर क्या होता है, बच्चे का पेट भर जाता है, बच्चा का पेट भर जाता है, इसलिए उतना ही खिलाती हैं जितने में इनकी पेट भर जाए। इसलिए कहते एक दिन बोले ए बेसुना विद्या निधिर आगमन पुंडरी की नाम श्री कृष्ण रे प्रियतम। अभी एक वैष्णव का कथा सुना रहे हैं, किसका नाम है सुबले श्री विद्या निधि, कहते नवद्वीप में श्री पुंडरी की विद्या निधि कैसे आए, और जो कृष्ण का ये अत्यंत अत्यंत ये प्रियतम श्री पुंडरी की विद्या निधि, कहते ये कृष्ण लीला में कौन है, बोलो बोलो कौन बोलेगा ये कृष्ण लीला में पुंडरी की विद्या निधि अनुपम महाराज, हाँ इसलिए ये कौन थे वृषभानु महाराज, कहते वृषभानु महाराज कौन है राधा रानी की पिता है, राधा रानी की ये पिता श्री वृषभानु महाराज है, हैं जो राधा रानी की जो पिता हो है कितने बड़ी बात है। इसलिए कहते ये इनका जन्म कहाँ पर, बोले चाटीग्राम, हाँ ये पूर्व बंगाल में चाटीग्राम है वहीं पर जन्म हुए, बोले वहां पर क्यों जन्म हुए कारण क्या, बोले कारण है कहते जहाँ पर एक वैष्णव जन्म ग्रहण करता है बोले तहार प्रभाव कोटि जोजन निस्तारे, एक शुद्ध वैष्णव कहीं जन्म ग्रहण कर लिया ना उसकी प्रभाव से कहते करोड़ों जोजन तक प्रस्थान पवित्र हो जाता है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने बताए महाप्रभु कहाँ पर जन्म हुए, कहाँ पर जन्म हुए नवद्वीप में है, जहाँ पर गंगा प्रवाह हो रही पवित्र स्थान पर महाप्रभु जन्म हुए। लेकिन उन्होंने भक्तों को कहाँ कहाँ पर जन्म दिया, बोले जहाँ पर पांडव वर्जित स्थान, जहाँ पर पांडव लोगों ने नहीं गए, क्योंकि पांडव लोग जहाँ जहाँ गए जहाँ जहाँ उनका चरण धूलि पड़ा वो स्थान पवित्र हो गया, हाँ वो स्थान पवित्र हो गया। इसलिए महाप्रभु ने देखा अगर मैं अपना भक्तों को पांडव वर्जित स्थान में अगर मैं जन्म दे दूंगा ना, कहते क्या होगा जन्म ग्रहण करने पर उनकी प्रभाव से वो स्थान पवित्र हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पांडव वर्जित स्थान में अपना भक्तों को उन्होंने जन्म दिया है। इसलिए कहते इनका गांव का नाम है, क्या गांव का नाम है, कहते चाटी ग्राम इनका गांव है, कहते चाटी ग्राम को धन्य करने के लिए उन्होंने वहां पर जन्म दिया। एक दिन श्रीमान चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे, है क्या लेकर के रो रहे थे, बोले पुंडरी है, कहते पुंडरी के नाम को लेकर रो रहे थे, भक्त लोग सोच रहे थे बोले ये पुंडरी के नाम है, पुंडरी की विद्या निधि, पुंडरी की विद्या निधि नाम लेकर रो रहे हैं, क्यों रो रहे, भगवान का नाम तो पुंडरी की है, ठाकुर का नाम कहते जस मरेत पुंडरी का अक्षम सब आया अभ्यंतर, भगवान का नाम पुंडरी की है, इसलिए कहते इनका नाम तो पुंडरी की, पर ये विद्या निधि कौन है, अरे महाप्रभु इनका नाम को लेकर के रो रहे हैं क्यों। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं देखो भक्त लोग क्या करते हैं, हर समय भगवान का नाम को लेकर रोते हैं, भगवान का नाम लेकर भक्त लोग रोते हैं, लेकिन ये भगवान भक्तों का नाम लेकर रोए ये कोई साधारण बात है, इसलिए भगवान सभी का नाम को लेकर भगवान कभी रोते नहीं, अगर जिनका नाम लेकर भगवान रोते हैं ये कोई साधारण बात नहीं, भगवान भी जिन भक्तों का नाम को लेकर के रोए, कहते भैया लगता है हैं, इसलिए लगता है ये बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान भी जिनका नाम को लेकर नृत्य रोते हैं, हाँ इसलिए तब महाप्रभु जो पूछे कहते प्रभु ये पुंडरीक तो भगवान का नाम है, आप ये विद्या निधि ये कौन है, जब उन्होंने पूछे तो महाप्रभु कहते हैं बोले भैया तुम लोग उनका कथा सुनने के लिए चाह रहे हो ऐसे वैष्णव का, तुम लोग सौभाग्यवान हो जो कि भक्त कथा सुनने के लिए तुम लोग चाहते हो, बोले देखो ये ऐसे के भक्त है ना हैं, इसलिए ये ऐसे के भक्त हैं, कहते ये विषयी प्राय, क्या है
एक वैष्णव प्राय और एक है? बताओ कि, मतलब क्या है? कौन बोलेगा विषय प्राय मतलब वैष्णव प्राय क्या? कुछ दो दिन पहले कथा क्लास सुने थे ना, बोलो राधा रमन, तो सीधा बोलेगा पता नहीं कुछ विषय प्राय कौन वैष्णव प्राय क्या? विषय इसलिए कहते एक वैष्णव प्राय और एक विषय प्राय। इसलिए विषय प्राय मतलब होता है वो देखने के लिए तो लगता है ये विषय जैसे तो महाभोगी, लेकिन विषय नहीं, ये प्राय मतलब देखने के लिए लगता है लेकिन तत्व तो वो नहीं है। वैष्णव प्राय वो देखने के लिए लगता है ऊपर से वैष्णव, लेकिन वो वैष्णव आगे बस, इसलिए देखने के लिए लगता है वैष्णव लेकिन वो वैष्णव नहीं, वो विषय है। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं भैया उनको देखने के लिए कैसे लगता है ये विषय प्राय लगते हैं, लेकिन हर समय कृष्ण प्रेम समुद्र में हर समय गोता लगाते रहते हैं, कृष्ण भक्ति रस में ये हर समय स्नान करते रहते हैं। कहते इनका जीवन कैसे है, भले गंगा स्नान ना करे पाद स्पर्श भय, गंगा दर्शन करे निसाय समय। कहते इनकी व्यवहार कहते हैं, कहते ये गंगा में स्नान नहीं करते हैं, बोले क्यों नहीं स्नान करते हैं, कारण क्या? बोले कारण है जब गंगा में नहाओगे क्या होगा, अपना चरण गंगा में स्पर्श होगा। इसलिए कुछ कुछ वैष्णव लोग राधा कुंड में भी नहीं नहाते, अरे श्याम कुंड में भी कोई नहीं नहाते, बोले क्यों? बोले राधा कुंड कौन है, ये साक्षात राधा रानी। बोले कृष्ण कुंड कौन है, ये साक्षात ये कृष्ण है, हैं ये कृष्ण है। इसलिए वैष्णव का भाव है अगर हम राधा कुंड में स्नान करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो चरण है राधा रानी को स्पर्श होगा, राधा रानी को हम कैसे स्पर्श कर सकते हैं। और जब कृष्ण कुंड में नहाएंगे तो कृष्ण कुंड तो कृष्ण है, फिर कृष्ण को ऊपर में शरीर अपना चरण कैसे रख सकते हैं। इसी भाव से कुछ कुछ वैष्णव लोग है जिसमें नहीं नहाते, राधा कुंड से आम कुंड में स्नान नहीं करते, उनको प्रणाम करते हैं। इसलिए यथा राधा प्रियम कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेशु सर्वय का विष्णुर रतंत वल्लवा। इसलिए जैसे कृष्ण कहा जैसे राधा रानी अत्यंत प्रिय कृष्ण का, कहती कुंड भी ऐसे ही कृष्ण का प्रिय है ये स्वयं श्रीमती राधा रानी। इसलिए इनकी जो भावना है ये गंगा में नहीं नहाया करते थे, बोले गंगा कौन है, भगवान की चरणामृत है, हैं भगवान भगवान की चरणामृत में अपना प्यार कैसे लगाए, मतलब इनकी इतने ऊंची भावना। और क्या करते थे, गंगा दर्शन करे निशाय समय, कि दिन में गंगा दर्शन नहीं करते, बोले क्यों दर्शन नहीं करते, कहते गंगा में सब लोग स्नान करते हैं, स्नान करते समय क्या करते हैं, शरीर को रगड़ते हैं, शरीर का महिला को छोड़ते हैं और उसमें थूकते हैं, मुंह में पानी लेकर थूकते हैं, कोई अपना दांत मजन करते हैं, कोई कपड़ा धोते हैं गंगा में साधारण लोग। इसलिए कहते ये दिन में गंगा दर्शन नहीं करते, बोले गंगा भगवान की चरणामृत में, मतलब इनकी कितनी ऊंची भावना है, ये साक्षात जहाँ चरणामृत उसमें थूकना और उसमें मुंह में पानी लेकर के उसमें छोड़ना, फिर अपना दांतुन करना, फिर अपना कपड़ा धोना, ये कितने पाप है। इसलिए ये दिन में गंगा दर्शन नहीं करते, कब दर्शन करते हैं, रात में, कहीं कहीं हस्त करो अगर उस, इसलिए छठ बसंत फागुन, इसलिए ये कहते ये वहीं पर बैठते हैं जहाँ पर थोड़ी सासी दिलाई कर दो, तुम तब कहाँ से कौ बढ़ सकता है, तुम मुंडो ठीक नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हैं, इसलिए दर्शन करते हैं रात को, दर्शन करते हैं क्यों रात में, फिर उल्टा पुल्टा कुछ लोग नहीं करते, इसलिए और रात को गंगा गंगा में रात को दर्शन करते हैं। और क्या करते हैं, कहते हैं जब ये ठाकुर जी को पूजा सेवा करते थे ना, उसी समय गंगा पानी को पेट भर कर गंगा पानी पीते थे, क्यों, ये गंगा पानी नहीं भगवान की ये चरणामृत है, ठाकुर जी की चरणामृत है। इसलिए पूजा करने के से पहले गंगा अपना पान करके ये शिक्षा देते हैं। इसलिए हम लोग जैसे गंगा जैसे ठाकुर को पूजा करने जाते हैं ना, जाते क्या करनी चाहिए, थोड़ी अगर गंगा पानी हो सर पर गंगा पानी छिड़का करके फिर पूजा करने जानी चाहिए।
और जैसे ठाकुर जी की घर मंदिर में जब घुसते हैं, फिर जब हम रसोई घर में घुसते हैं ना, नियम है हमारे गुरु जी के मंदिर में सब लोग भी ठाकुर जी के रसोई में नहीं घुसते हैं। ठाकुर जी का मंदिर रसोई बराबर है। रसोई का हमारे मंदिर में जो पूजा जो रसोई करते हैं वो ऐसे नहीं जो कपड़ा में सारा दुनिया घूम घाम करके आए उसी कपड़ा में, नहीं, हमारे गुरु जी का मठ नहीं। जब वो रसोई करने के लिए रसोई जाता है मंदिर में ब्रह्मचारी, उसके लिए अलग कपड़ा रहता है, वो अलग कपड़ा पहन करके ही वो जाएगा रसोई के लिए। और जाने से पहले गंगा पानी को सर पर छिड़का करके फिर जाए, क्योंकि जो रसोई है वो राधा रानी का काम। रसोई अगर ठाकुर जी का घर वो कहते एक ही है, इसलिए हमारे मंदिर में जैसे कोई रसोई बनाता ना, सब जाकर रसोई नहीं देखते, जो केवल रसोई बनाएगा केवल वही दर्शन। क्यों आज अगर पनीर का सब्जी बन रहा है, पनीर का सब्जी बन रहा है, मतलब क्या हो गया, हमारी पहले खाने का इच्छा हो जाता है, अरे बढ़िया आज पनीर का सब्जी बन रहा है, हम बद्ध जीव है ना। इसलिए कहते अगर, इसलिए हमारे श्री माधवेंद्रपुरी क्यों छोड़कर चले गए, हैं क्यों छोड़कर चले गए, जब उनके मन में इच्छा हुई उन्होंने पूछा ठाकुर को क्या भोग लगता है गोपीनाथ जी को, बोले खीर भोग लगता है जिसमें काजू किशमिश डाल करके और उसको पूरा गर्म करते करते राबड़ी जो बन जाता है, हैं, जिसका नाम है अमृत कली। अभी उन्होंने सोचा अगर थोड़ी सी मेरे को वो खीर मिलता है ना, मैं भी अपना ठाकुर जी को मैं भी ऐसे भोग लगाता, तो यहाँ पर भोग लगाता, इसलिए इनके मन में इतना इच्छा हो गई, भले ठाकुर जी को भोग नहीं लगा और भोग लगने से पहले मेरे मन में इच्छा हो गई खाने के लिए, ये अपराध है, ये अपराध है, इसलिए उन्हें छोड़कर चले गए, हाँ वहाँ छोड़ कर चले गए। और दूसरी चीज सिखा देते हैं, ये चीज सिखा देते हैं, नहीं हमारे ठाकुर जी को, जैसे हम बाहर कहीं गए कोई अच्छे चीज हमने खाया है, नहीं हम भी अपना ठाकुर जी को हम भी ऐसे भोग लगाएंगे, ठाकुर जी को हम भी ठाकुर जी को बना करके ऐसे खिलाएंगे। कहते भक्तों के अंदर में ऐसे भावना भक्तों के अंदर में आनी चाहिए, हम भी हमारा ठाकुर जी को अच्छे अच्छे बना करके ठाकुर जी को भोग लगा करके खाना खाए। इसलिए यहाँ पर जो पुंडर की विद्यानिधि गंगा ठाकुर को पूजा करने से पहले गंगा पानी पूरा पी करके, है चरणामृत है, पी करके फिर क्या करते थे, जा करके ठाकुर को सेवा पूजा करते थे, हैं ठाकुर को सेवा पूजा करते थे। इसलिए अभी श्रीमन महाप्रभु की इच्छा से ही उन्होंने श्री पुंडर की विद्यानिधि को उन्होंने आकर्षण करके, हैं उनको आकर्षण करके श्री नवद्वीप धाम में ले आए। जब नवद्वीप धाम में ले आए, अभी गुप्त रूप में नवद्वीप धाम में भी पुंडर की विद्यानिधि अवस्थान कर रहे हैं। एक दिन मुकुंद ने श्री गदाधर पंडित को बोले, बोले गदाधर तुम, मुकुंद का बड़े प्रिय बंधु गदाधर, बोले एक दिन हम लोग वैष्णव दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि कहते जो मुकुंद है कहते और श्री पुंडर की विद्यानिधि वो एक ही गांव चाटी गांव का है, दोनों चाटी ग्राम के, इसलिए वो उनको जानते हैं, ये परम भक्त है। गदाधर बचपन से ही बैरागी है तो बचपन से ही कृष्ण रंग में अनुरागी, इसलिए राधा रानी तो है ही है इसलिए, और इनके मन में हर समय इच्छा रहती थी कहीं अगर वैष्णव आए ना हम उनको दर्शन करने के लिए जाए, बोले वैष्णव दर्शन करने के लिए जाए, बोले चलो जाकर वैष्णव को दर्शन करके आते हैं। इसलिए यहाँ सिख्या देते हैं अगर कोई श्रेष्ठ वैष्णव आते हैं ना उनको दर्शन करनी चाहिए, का दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारे गुरु, वैष्णव का दर्शन करनी चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए। कोई जैसे कोई बाहर से अन्य मंदिर के कोई अगर हमारे संप्रदाय से कोई वैष्णव आए, ऐसे नहीं कोई वैष्णव आए संन्यास आए हम खड़े ही नहीं, आने पर क्या करो, बोले वैष्णव देखिया जेवा ना नुआए मुंड तार मुंड पड़ गया नरे करे कुंड। अगर कोई वैष्णव आए हम ऐसे खड़े वैष्णव को दर्शन करके भी नहीं, क्या करनी चाहिए, उनके चरण में प्रणाम करनी चाहिए। इसलिए कहते जो वैष्णव को देख करके अपना सर नहीं नमाते हैं कहते उसका मुंडा पड़े गया नरकर कुंड, हैं उसका जो मुंडा, मुंडा मतलब क्या है उड़िया में तो मुंडा कहते, ये सर जाकर नरक का कुंड में जाकर पड़ता है, हैं इसलिए कहते अगर किसी वैष्णव को दर्शन किया, दर्शन करते हुए श्रेष्ठ तुम प्रणाम नहीं किया, प्रणाम नहीं किया क्या होगा, तीन दिन तक बिना खाए पिए रहो और सब वस्त्र में जाकर गंगा में नहाओ। उदाहरण दिया जैसे कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर आए,
छोटे अगर को पॉलिसी होता ना, उसको सियालट करना पड़ता है, नहीं करेगा तो नौकरी चली जाएगी, है नौकरी चली जाती। इसलिए वैष्णव को दर्शन करने पर क्या करनी चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए। कोई सीनियर वैष्णव आए ऐसे ही बैठे हुए नहीं, कोई जब सीनियर वैष्णव आए कोई देखे संग संग क्या करनी चाहिए, अपना आसन छोड़कर खड़े हो जाओ, आसन छोड़ करके बड़े वैष्णव के सामने कभी भी नहीं बैठनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हर समय उनको आदर देनी चाहिए, नहीं तो शास्त्र कहता है तार मुंड पड़ेगी नरक रे कुंड, नरक में कुंड में जाकर के उसको भोगना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा है। इसलिए नहीं तो 3 दिन तक उपवास करो, खाना मत खाओ। इसलिए यहाँ पर बोले चलो हम वैष्णव दर्शन करने के लिए जाएंगे, इसलिए बोले चलो वैष्णव दर्शन करने के लिए जाएंगे। कह देखो वो जो वैष्णव है ना, ये अद्भुत वैष्णव है, अपूर्व वैष्णव है। सुन करके उनकी प्रशंसा को उन्होंने गए दर्शन करने के लिए। जब उन्होंने दर्शन करने के लिए गए, अभी वैष्णव को दर्शन किया, और इतने में जो पुंडरीक विद्यानिधि को उन्होंने दर्शन किया है, और इतने में गदाधर, जो गदाधर जो पंडित हैं वो बचपन से वैरागी हैं, बचपन से, और कौन है वो स्वयं श्री राधा रानी, कृष्ण लीला में राधा रानी। और राधा रानी देखने में कितनी सुंदरी, कितने प्यारी राधा रानी, इतने सुंदरी कृष्ण राधा रानी है ना, कृष्ण भी जिनको देख करके मरु मुकुट गिर जाता है, बंसुरी गिर जाती, कृष्ण भी मूर्छित हो जाते हैं, इतने सुंदरी श्री राधा रानी है, इतने प्यारी राधा रानी, कृष्ण को भी जो मुग्ध करने वाली। इसलिए जब उन्होंने गदाधर पंडित को देखा, कौन पुंडर की विद्यानिधि ने देख करके बोले ये कौन है, बोले इनका नाम गदाधर पंडित है, और ये बचपन से ही ये संसार से विरक्ति, और ये बचपन से कृष्ण को बड़े प्यार करते हैं, कृष्ण भक्ति में बड़ी इनकी रुचि है, हैं। तब उन्होंने बोले भाई जीवन धन्य है, क्योंकि ये जीवन पाने का जो सार्थकता है कृष्ण जब भजन करे, नहीं तो अगर भगवान की भजन नहीं करते ये जीवन बेकार। तुम बड़े सौभाग्यवान जो कि तुम्हारी बचपन से भगवान में तुम्हारी प्रीति है, भगवान के चरण में तुम्हारी प्रेम है, बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति का भगवत चरण में प्रेम होता है। लेकिन इतने में क्या हुआ, जब गदाधर पंडित ने, जब उन्होंने श्री पुंडर की विद्यानिधि को उन्होंने देखा है ना, उनको देख करके हार जैसे लग रहे थे, घोर विषय, घोर विषय। बोले कैसे उनका ड्रेस कैसे है, बोले उनका जो ड्रेस है ना, उनकी एकदम सूक्ष्म कपड़ा जो पहने हुए, एकदम पाट क्या बोलते हैं हिंदी में, इसलिए बड़े सूक्ष्म कपड़े हैं, बड़े पतले कपड़ा, बड़े कीमती कपड़ा पहने हुए धारण किए हुए, और उन्हें जिस सज्जा में लेट रहे थे ना, एकदम मखमल बल गद्दी जैसे, और उनको कितना तकिया है, दो हाथ में दो तकिया है, सर पर एक तकिया, दो पैर में दो तकिया, 5 तकिया उनको लगा हुआ था, और इनकी हैं कहते क्या खा रहे थे, बोले पान खा रहे थे, हैं पान खा रहे थे, और होठ पूरा लाल पड़ा हुआ था, और सामने शीशे में बारम्बार शीशे में देख रहे थे, हैं शीशे में देख रहे थे मैं कितना सुंदर हूँ, पान होठ एकदम लाल, और जो सुगंधी जो पान खा रहे थे ना, हैं उसमें पान में बड़े सुंदर सुंदर मसाला दे करके पूरा पान से पूरा घर एकदम खुशबू से भरपूर हो रहा था, हैं। और उन्होंने ऐसे लग रहे थे जैसे महाभोगी जैसे, हैं। और उनको पंखा झुला रहे थे, उनका 4-5 सेवक क्या कर रहे थे, कोई पंखा झुला रहा था, कोई मयूर पंखा कोई झूला रहा था उनको, और शरीर में सुंदर चंदन चंदन लगी, और चंदन से तिलक लगा हुआ था, हैं। और उनका जो केस है ना, इतने सुंदर घुंघराली केस, अद्भुत उनकी रूप है, हैं। और अपना मुंह को बीच बीच में देख करके हैं खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, जैसे कि विषयी जैसे, हैं भोगी व्यक्ति जैसे, और इतना देख करके ना। लेकिन गदाधर का भावना किया, साधारण लोगों का भावना किया, साधु कैसे होते हैं, एकदम सिंपल होते हैं, सिंपल पहनते हैं, हैं। इसलिए महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी दुष्टहन गौर नारायण, हैं। इसलिए महाप्रभु का जो भक्त हैं कैसे हैं, वैराग्य प्रधान। अब देखो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का अपने फटो देखो कैसे, यहाँ तक कपड़े साधारण, यहाँ तक कपड़े पहने हुए, हाथ में एक कमंडलू है, गले में एक चद्दर है। बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले गिरिराज महाराज की।
की जय। इसलिए एकदम उनकी वैष्णव जैसे रूप गोस्वामी सनातन का फटो को देखो, रघुनाथ दास गोस्वामी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और मानी इनको फटो देखो पागल जैसे लगेंगे। बंसीदास बाबा जी महाराज पागल जैसे बैठे, आधा कपड़ा आधा शरीर में है ही नहीं है, एकदम साधारण कपड़े पहन करके है। साधारण लोग का ये भावना है ना है, वैष्णव लोग दीनहीन भाव में वैष्णव लोग रहते हैं, साधारण लोगों का तो यही भावना। लेकिन इसको देख करके गदाधर पंडित ने सोचा किसको दिखाने के लिए लाए, वैष्णव, ये तो लग रहा है महाभोगी है, ये महाभोगी, इसलिए इनको देख करके ना उनके अंदर जो भक्ति था भक्ति खत्म है। भले मेरे को क्यों यहाँ पर ले आए, महाभोगी को पास में हमको ले आए। अभी मुकुंद समझ गया गदाधर की भावना, समझते हुए गदाधर के अंदर में जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक श्लोक पढ़ा है। क्या श्लोक है बोला? हाँ, इसलिए अहो बक्यम स्तन काल कूटम जिज्ञासयापि असाधि, उसके बाद में लेभे गति धातु चित्तम गत्वन्न कब्बा दयालु शरणम ब्रजेम। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण की महिमा को है सुखदेव गोस्वामी, कृष्ण कितने दयालु है, कृष्ण कितने दयालु, कृष्ण कितने कृपालु है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब उन्होंने ये श्लोक को सुना ना, उन्होंने क्या किया, बोले कम्बा दयालु शरणम ब्रजम, ऐसे कृष्ण को छोड़ कर और किसको भजन करनी चाहिए। बोले कृष्ण कैसे, बोले अहो बकी अब स्तन काल कुटम। इसलिए जो बकासुर का जो बहन बकी पुतना ने अपना स्तन में कालकुट जहर लेकर के है, स्तनकुल काट ले जहर लेकर के कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने क्या किया, ठाकुर ने क्या किया है, भगवान उसको कौन सा पद दे दिया, उनको धाई मैया का पद दे दिया। कहाँ, बोले गोलोक वृंदावन में है, उनको धाई चित उन्होंने पद दे दिया, जो माँ की अनुगत्य में जो सेवा करती हैं। जब सुखदेव गोस्वामी ऐसे सुने ना, इतने जो बाल घातिनी बच्चे को खून पीने वाले रक्षसी रुद्रासना, हाँ इतने जो दुष्टा को भगवान, कहाँ भगवान उसको इतने ऊंचा गति दे दिया जो मारने के लिए आई थी। सुखदेव गोस्वामी तो हाथ उठा करके कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे कृष्ण को छोड़ करके और किसकी चरण में शरण में हम जाए। उन्होंने भागे वहां से है, फिर उन्होंने व्यासदेव, जब उन्होंने ये श्लोक को सुना, इसको सुनते ही कृष्ण की महिमा है, इनकी शरीर में अष्ट सात्विक प्रेम प्रकट हुआ है, स्वेद कंप अश्रु पुलक वैवर्ण विपथु, शरीर में जो भाव उनका अंदर में जब प्रकट हुआ, उन्होंने उनको पास में जितने जो पिकदानी, पिकदानी समझते हो ना, पान खाने के बाद जो थूक फेंकते हैं, स्वनिग थी है, पास में दीप दीप पानी, पानी की झरी जिसमें सोने की ग्लास में ये पानी पीते थे, आसपास में सारे सेंट फेंट जैसे सारे भोगी व्यक्ति होते थे ना वहां था, लेकिन इतना सुनते ही उन्होंने ऐसे प्रेम में बेहोश होकर के हाथ प्यार को फेंक करके जितने वहां पर भोग्य वस्तु था ना, सबके सब चकनाचूर कर दिए। और कृष्ण रे बाप रे मोर है, कृष्ण मेरे पिताजी कहाँ गए कृष्ण, उन्होंने इनके अंदर में जो दिव्य भावना प्रकट हुआ है, कति ये सब चीज को देख करके ना, और उन्होंने ऐसे अछाड़ खा रहे थे, अछाड़ अछाड़ पछाड़ खा रहे थे है, ऐसे पछाड़ खा रहे थे, इतने उच्चे स्वर से क्रंदन कर रहे थे, ऐसे गिर रहे थे जैसे उनका हड्डी पसीना जैसे चकनाचूर हो जाएगा, दस व्यक्ति भी उनको पकड़ करके संभाल नहीं सकते हैं, और उन्होंने प्रेम से मूर्छित हो गए। इसको देख करके गदाधर पंडित बोले हे भगवान, ये तो परम वैष्णव है, कृष्ण की महिमा की एक श्लोक सुने, इतने शरीर में प्रेम की इतने विकार है, कृष्ण प्रेम में, हे भगवान मैंने क्या किया, इनको तो चरण में अपराध किया, अवज्ञा किया, हमने कहा कहाँ ले आए वैष्णव दर्शन कराने के लिए, हे भगवान भले मुकुंद तुमने मेरे को बचा दिया है, हैं विपद से तुमने बचा दिया, अगर तुम ऐसे नहीं करते है ना, फिर तो इनको महाविषय मान करके मैं तो अपराधी हो जाता है, अपराधी हो जाता, अभी बताओ अभी मेरे को क्या करनी चाहिए, वैष्णव चरण में अपराध हो गया है।
अरे बताओ हमें क्या करनी चाहिए। तो हम लोग बोले एक काम करो, तुम इनकी शिष्य बन जाओ, इनकी शिष्य बन जाओ। शिष्य मतलब क्या? इनके बच्चे। शिष्य मतलब होता है उनकी बच्चा बनना, उनकी संतान है। बच्चे बनने पर क्या होता है? पिताजी बच्चे का दोष को नहीं लेते हैं, बच्चे नहीं लेते हैं, इसलिए तुम इनके शिष्य बन जाओ। शिष्य बनने पर कोई जो अपराध वो माफ कर देंगे, अपना बेटा बन जाओगी, संतान बन जाओगी, इसलिए तुम शिष्य बन जाओ। इतने में ही कहते उन्होंने अपना आंखों का आंसुओं से गदाधर का उन्होंने शरीर को विद्या निधि ने धुला दिया और उन्होंने बोले आप कृपा करके इनको अपना शिष्य रूप में ग्रहण करो, है शिष्य रूप में इनको ग्रहण करो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते शुक्ल पक्ष द्वादश तिथि में शुभ लग्न में उनको कहते इसी दिन अगर कोई दीक्षा मंत्र ले तो उसको सर्व सिद्धि होता है। उन्होंने अच्छा दिन देख करके उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं देखो गदाधर पंडित जिनका शिष्य है वो कोई साधारण व्यक्ति है। गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी। राधा रानी जिसका स्वयं शिष्य, उसका सौभाग्य की कितने सौभाग्य, क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? वृषभानु महाराज। वृषभानु महाराज का बेटी कौन है? राधा रानी। इसलिए ये इनका ही नित्य बेटी है, इनका ही बेटी। मानो बेटी ने ही क्या की, पिताजी की शरण में उनको पास में दीक्षा मंत्र लिया, उनको ही बेटी, तो पिताजी का ही तो बेटी है ना। इसलिए उन्होंने जो नित्य लीला में जो कृष्ण की महापुरुष का परिकर इसलिए उन्होंने ग्रहण किया और पुंडरीक विद्यानिधि भी अपना जीवन को धन्य माने और गदाधर पंडित भी अपना जीवन को उन्होंने धन्य माने हैं। है इसलिए प्रभु बाबा इसलिए कहते श्री मन चैतन्य महाप्रभु भी आ करके अपना अश्रु जल से श्री पुंडरीक विद्यानिधि को उन्होंने भी उन्होंने उनको धौत कर दिया, उनको शरीर को उन्होंने सिक्त कर दिया। अभी भक्त लोग जब इस सब चीज को देखे है ना, है देख करके बोले बाबा रे, इसलिए महाप्रभु इनका नाम को लेकर के पुंडरीक विद्यानिधि नाम लेकर इसलिए महाप्रभु रो रहे थे इतने बड़े भक्तों की। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं आज हमारे जीवन धन्य हो गया। बोले क्यों? बोले आज सवेरे सवेरे एक वैष्णव का हमने दर्शन किया, एक वैष्णव दर्शन किया। यहाँ पर शिक्षा देते हैं अगर सवेरे सवेरे उठ करके अगर किसी वैष्णव का दर्शन करते हैं इसका मतलब क्या है, जो दीन तुम्हारी बहुत बढ़िया जाएगा। इसलिए नियम किया है सवेरे उठ करके वैष्णव को दर्शन करनी चाहिए, वैष्णव को प्रणाम करनी चाहिए। सवेरे क्या क्या करनी चाहिए? वैष्णव को प्रात ओठ ही रघुनाथा और मात पितु गुरु नमः माता। भगवान क्या करते थे सवेरे उठ करके? सबसे पहले पिता माता को प्रणाम करते थे। इसलिए क्या नियम है? सवेरे उठ करके वैष्णव को, गुरु वैष्णव को प्रणाम करनी चाहिए सवेरे उठ करके, हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु इसको सुन करके, हैं, सुन करके बल तुम्हारे जीवन धन्य हो गया है। ऐसे शिष्य जिनकी और ऐसे गुरु जिनकी प्राप्त हुआ है। इसलिए कहते ये कथा को जो श्रवण करेंगे इसका फल क्या है? कहते उसको एक दिन कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। बोले श्री निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। बोले श्री पुंडरीक की विद्या निधि की। बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हम कथा को यहीं पर विश्राम कर देते हैं। हाँ देखो जो लोग श्रवण कर रहे थे ना स्काइप में देख रहे हो, कल से और थोड़ी सी जल्दी करेंगे, जैसे 8 बजे कथा को शुरू करके कोशिश करेंगे 8:30 बजे खत्म जैसे हो जाए, कोई ना को अंदर में खत्म हो जाए, क्योंकि आप लोगों को प्रसाद पा करके, प्रसाद पा करके जल्दी जल्दी विश्राम करेंगे तो फिर सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी उठ सकते हो। उसको बंद कर दो, जैसे जल्दी जल्दी उठ सकते हो, उठ सकते हो।